अभी टाइम हो गया है 10:11, अब निकलना है हम लोग निधिवन के लिए। थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लिए और ये अपना ड्रेस भी चेंज कर लिए हैं। हम तो अपना वही आउटफिट रखे हैं, बस अब निकला जा रहा है हम लोग होटल से निधिवन के लिए। निधिवन चलते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला क्या प्लान होता है, कहाँ निकलते हैं। निधिवन के लिए अभी निकल लिए हैं ये रिक्शे में, टोटो में, और यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है, बस निधिवन पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं, पहुँचते हैं। बाकी बिहारी जी के यहाँ से हम पैदल भी आ सकते थे, पर धूप भी काफ़ी तेज़ है, इस वजह से पैदल नहीं आए और रूम पे जग गए हैं नाश्ता वगैरह करके। उसके बाद फिर ये है निधिवन, अब चल रहे हैं अंदर निधिवन में और दिखाते हैं आप लोगों को अंदर का सब। अभी हम लोग निधिवन आ चुके हैं और निधिवन अंदर से ऐसा है, ये वृंदावन 550 साल पुराना, वृंदावनम संप्रविष्ट है सर्व काल स्थान, भगवान श्री कृष्ण ने देखा वृंदावन, कह रहे 12 महीने हर समय जहाँ आनंद रस बरसता है उसको वृंदावन बोलते हैं। तो 550 साल पहले तक कोई बिल्डिंग वगैरह मंदिर वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था। इसी जंगल में कहते मधुबन में राधिका नाचे, गिरधर की मुरली आवाजे, आज भी घुंघरू की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है भक्तों को, जो आस पास में रहते हैं सब खिड़की दरवाजा बंद कर लेते हैं, कोई बात करके नहीं देते। संत हुआ, भक्त हुआ, यात्री हुआ, जो यहाँ रख गया उन लोगों का नाम लिखा हुआ है, समाधि बनी हुई, जितने पेड़ देखेंगे सब जोड़े से हैं गोपी और कृष्ण के पास। रात्रि को 8:30 बजते ही जीव जंतु पशु पक्षी कोई नहीं रुकता, जो रुक गया समाधि बना हुआ है। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। घूमने के लिए वृंदावन नहीं है, घूमने के लिए ताजमहल दिल्ली का लाल किला है, या तो ठाकुर जी की कृपा होती है वृंदावन आना हो पाता है। जो घूमने के पर्पज से आता है वो कुछ लाभ नहीं पाता, और जो तीर्थ के भाव से आता है तो 4 धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्ति मिलता है। कृष्ण है जुड़े हुए बोलते ललिता कुंड, ये भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जब महाराज किया तो ललिता विशाखा चंपकलता मंजरी श्रीदेवी सुदेवी चित्रलेखा तंग विद्या अष्ट सखियाँ हैं भगवान की, राधा रानी की। तो ललिता जी भगवान से बोलती है प्रभु रास करते करते हम लोग सब थक गई गोपियाँ, हमको प्यास लगी है, जल की व्यवस्था कर दो। तो भगवान अपनी बांसुरी से कुआ खोदे, जल निकाला, गोपियों का प्यास बुझा, ललिता कुंड कहलाता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा खोदा गया कुआ। प्रेम से बोलो ललिता महारानी की जय। ताली बजा लो। अभी हम लोग एक गाइड किए हुए हैं, वो सब बता रहे हैं भैया सब, और अभी दर्शन करके पीछे से आए हैं, बाकी का देखते हैं क्या बताता है। और ये है पूरा इस स्थान को बोला जाता है भगवान का रंगमय, चांदी का बैठ बिछाया भगवान। शाम को 8 बजे तक संध्या आरती हो जाती है, और आरती के बाद पुजारी लोग 7 ताले लगाते हैं दरवाजों पर, और उन 7 तालों के भीतर में भक्तों को दिखा करके 4 लड्डू लोटे में जल धातु पान श्रृंगार का सामान सब सजा के जाया जाता है। सुबह मंगला आरती होती है 5:30 बजे, भक्त लोग आके खड़े हो जाते हैं, पुजारी जी भक्तों के सामने दरवाजा खोलते पर्दा हटाते हैं, दिखाते हैं लड्डू खाया धातु चवा लोटे का पानी बिखरा श्रृंगार का सामान आज भी बिखरा मिलता। रात्रि में वन के अंदर में तुलसी की डंडियाँ घर जाती हैं जो सूख जाती है पेड़ों से, किसी को दिया नहीं जाता, इकट्ठा करते हैं झाड़ू लगती है। सुबह 6 बजे भगवान के घर पहुँचाई जाती है, वहाँ बनती है ऐसी तुलसी की माला, माला बना के भगवान के चरणों से स्पर्श करा के भगवान के प्रसाद में मिलाते हैं। जो भक्त लोग भगवान के परिवार का दर्शन करते हैं और गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण का माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, लगा हुआ मंदिर से 56 भोग का प्रसाद, तुलसी के दाने, राधा रानी का वस्त्र, उन भक्तों को वहीं से प्रदान किया जाता है, प्लस परिवार में घर जाकर के प्रसाद को बांटा जाता है, तुलसी के दाने किसी को नहीं दिया जाता। मन में कोई कष्ट व्याधा बंधन कामना रहती है, घर में गंगा जल हो, गाय का कच्चा दूध हो, धोकर के लाल कपड़े में बांध के भगवान के स्थान पे बिजनेस में व्यापार में तिजोरी में रखते हैं, प्रभु से जैसा उनके जाता उसका चमत्कार घर देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से वृंदावन में 6.25 जाम बनते हैं, सब जगह हाथ जोड़ो दर्शन करो चलो। कोई भी मंदिर का पुजारी आपसे नहीं कहेगा कि यहाँ भोग लगता है, भोग लगता है भगवान श्री कृष्ण के घर में माखन मिलेगा। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। तो अभी चलते हैं श्रृंगार दर्शन करने, कैमरा फोन अलाउ नहीं है, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी ये हम लोग श्रृंगार देवी दर्शन करके देखते हैं, अभी निकल रहे हैं आगे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है निधिवन में। जी न्यूज़, News18, NDTV, ABP सब लोग इधर आ चुके हैं पड़ताल करने के लिए, कैमरा लगाते हैं 12 बजे के बाद कैमरा फेल हो जाता है, पुजारी लोगों के साथ में रिपोर्टर अपना ताला खरीद के लगाए,
मेन गेट पे लगाए, यहाँ लगाए, ताला लगा करके गए, रात को धागा बांध के गए, सुबह आकर के देखा धागा टूटा हुआ मिला, वहाँ का ताला खुला, सब श्रृंगार बिखरा हुआ मिला। घरों में जाकर के पूछताछ किया, बोले क्या होता, बोले आज भी हमको घुंघरू की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, हम लोग खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं। जिन्होंने देखा उन लोगों की समाधि बनी थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है निधिवन में, काफ़ी चीज़ें आज जानने को भी मिली, क्योंकि इसके पहले आए थे तो हम गाइड नहीं किए थे, तो अपने से ही जितना जान सकते थे जाने, पर आज गाइड किए हैं तो काफ़ी कुछ पता चल रहा है यहाँ के बारे में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वो जगह है जहाँ पे बांके बिहारी जी और राधा रानी नृत्य करते थे, ये वो स्थान है, और ये पूरा अंदर मंदिर है बंसी चोरी राधा रानी की। राधा रानी सिंगल बंसी लेके खड़ी, उनको बोलते हैं बंसी चोर राधा रानी। लास करते करते कृष्ण की बंसी चुरा ली, जो चुरा ली बंसी को अपना स्वतन मानती थी, कहती है श्याम सुंदर थक गए विश्राम करो, भगवान को विश्राम करा दिया, बंसी चुरा लिया, बांके बिहारी का दर्शन किया, गौर से किया था कौन से कलर की बंसी थी आपको, बंसी का कलर तो नहीं ध्यान दिया था, बंसी का कलर नहीं। साल के 364 दिन बिहारी जी बिना बंसी के रहते हैं, रात्रि को मंदिर बंद होता है, संतों का कहना है बिहारी जी मन में आते राधा रानी बंसी प्रदान करती है, मन में रास होता है, एक तरफ ललका एक तरफ विशाखा, बीच में राधा रानी है, बिहारी जी की बंसी देखे। यहाँ की सच्चाई जानने के लिए जो भी यहाँ के रासलीला जो लोग देखे हैं उनकी उन्हीं लोगों की ये सारी समाधियाँ बनी हुई हैं, नाम के साथ सन सब कुछ लिखा हुआ है कौन कौन और कब, ये देखिए 2007 के हैं और काफ़ी लोगों की है, और चलते हैं आगे देखते हैं और भी क्या है। पिंडदान श्राद्धदान गुप्तदान ये सब होता है गया काशी बनारस हरिद्वार में, वृंदावन नाम की भूमि है, नाम दान करते हैं, नाम से क्या होता है, बोले नाम से वृंदावन में भगवान का भजन चलता है, घर के भीतर ऐसी किसी परिवार चलता है, वृंदावन में नाम दिखाते जन्म जन्म का लू नहीं पाते, अंतकाल बैठू नहीं पाते, कभी श्रीमद भागवत सुनेंगे नारद जी कहते हैं रहते हैं वृंदावन धाम आज भी जब भक्ति जवान होकर नृत्य करते हैं, ये कौन नाच रहा था पता है, शंकर भगवान भी आए गोपी बन जाते तो गोपी बनकर के शंकर भगवान ने रास किया था भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो आज भी शंकर भगवान का शाम के समय गोपी रूप में दर्शन देते हैं, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे शंकर भगवान का दर्शन है, नाम पता है गोपेश्वर महादेव, समय मिले तो शाम को जाकर के दर्शन करना, तो शंकर भगवान कामना किए जो कैलाश पर्वत से कामना किया मैंने जो कामना लेकर के आया था मेरा पूरा जो गोपी भाग लेते हैं भगवान उन गोपियों की मनोकामना। अभी निधिवन कम्प्लीट हुआ, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ देखें, काफ़ी टाइम तक थे, पूरा वीडियो नहीं बनाए क्योंकि अलाउ भी नहीं था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो इस वजह से बाकी निकल रहे हैं अभी यहाँ से। बिहारी जी का पूरे परिवार का घर अभी यहाँ पे दर्शन करके हम लोग निकले हैं अंदर वीडियो, तो अभी अभी निधिवन वगैरह सब घूम के फिर से वापस रूम पर आ गए हैं, और टाइम हो रहा है 1:01 और अब फिर शाम को निकलेंगे प्रेम मंदिर वगैरह इस्कॉन टेम्पल इन जगहों पे, और थोड़ा बहुत लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग करनी है तो वो करेंगे, घर पे लड्डू गोपाल लोग हैं, तो वीडियो ये काफ़ी लंबी हो रही है तो सोच रहे हैं 2 पार्ट में डाल दें, तो यहाँ तक इस पार्ट में और बाकी का नेक्स्ट अगले पार्ट में, तो इस ब्लॉग में यहीं पर ख़त्म करते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बांके बिहारी निधिवन और कृष्ण जी के परिवार का तो दर्शन हो गया, बगले में दर्शन कराएंगे बाकी जगहों का, और उसके बाद फिर अभी बहुत बाकी है, तो आप लोग अपना प्यार ऐसा ही बनाए रखें तो।